दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन क्या होती है, और पहला जो इंजन था वो ऑटो साइकिल इंजन था। डेमलर और मेबाज ने भी साथ में काम किया, जो कि उन्हें फर्स्ट बाइक लेके आए थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, एक ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं, वो किससे मिलके बना हुआ होता है। तो ऑटोमोबाइल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि नंबर वन हो गया हमारी द बेसिक स्ट्रक्चर, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल आधारभूत ढांचा, जिसमें आपकी फ्रेम आ जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक एक वन लाइनर और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो मेन ढांचा आ गया, ये आ गया मेन ढांचा इस तरह से, इसमें रिम्स लगी होती है, कनेक्शंस होते हैं इस तरीके से। जो मेन एलॉय स्टील या जो भी होता है, जो मूल ढांचा होता है वो होता है। उसके साथ साथ इसके बेसिक स्ट्रक्चर में होता है सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का क्या काम होता है? सस्पेंशन सिस्टम इसलिए काम आता है जिससे कि गाड़ी में यदि किसी भी तरह का कोई झटका लगे या कोई शॉक आए तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। उसके साथ हमारे पास गाड़ी में होते हैं एक्सेल्स। एक्सेल्स का काम क्या होता है कि जब गाड़ी मूव करेगी या गाड़ी चलती है तो उसको स्मूथ फंक्शनलिटी देना, जो व्हील के साथ बेसिकली लगे हुए होते हैं। और साथ में हमारे साथ गाड़ी के मूलभूत ढांचे में होता है व्हील्स या पहिए। पहिए भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है ऑटोमोबाइल के बेसिक कंपोनेंट में, वो होती है पावर प्लांट। पावर प्लांट का मतलब क्या होगा? पावर प्लांट का बेसिकली जो मतलब है वो है इंजन, इंजन या इंजन्स जैसा भी, ठीक है। इंजन टू स्ट्रोक हो सकता है, थ्री स्ट्रोक हो सकता है, टू स्ट्रोक होता है, फोर स्ट्रोक होता है, डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, हाइब्रिड इंजन होता है, सेमी हाइब्रिड इंजन होता है। इंजन में बड़ी वैरायटी होती है। तो हम अभी ये सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब हम ऑटोसार को गहराई से पढ़ेंगे तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी के साथ जो तीसरी चीज़ होती है गाड़ी में, वो होती है उसका ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या आएगा? क्लच आ जाएगा। क्लच के बाद क्या आ जाएगा? गियर बॉक्स आ जाएगा। गियर बॉक्स के बाद क्या आएगा? प्रोपेलर आ जाएगा। प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट आ जाएगी। और ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो ट्रांसमिशन सिस्टम में होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि यदि कोई भी जो जो पावर है या फोर्स है या जो भी जो गाड़ी को मूव करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, गाड़ी को चलाने के लिए जो चीज़ कंट्रोल वे में चलाने में जो चीज़ ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें ट्रांसमिशन सिस्टम में आ जाती हैं। जिसमें क्लच होता है जिससे कि आप गियर चेंज करोगे, गियर बॉक्स होता है जिससे लोड वेरियंस करोगे, प्रोपेलर शाफ्ट होती है जो गाड़ी को मूव करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जो चौथी चीज़ होती है इसमें, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज, दी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होगा? इसमें आ जाएगा सप्लाई सिस्टम, जैसे कि बैटरी, जनरेटर्स। इसी के साथ और ऑक्सिलरी में क्या आ गया? जैसे स्टार्टर। इसके साथ क्या? इग्निशन बॉक्स या इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें। और ऑक्सिलरी में क्या आ सकता है? ड्राइविंग लाइट्स आ जाएंगी। और क्या आ सकता है ऑक्सिलरीज में? ड्राइविंग लाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। यही बेसिकली मतलब जो एसेसरीज नहीं बोलेंगे, ऑक्सिलरीज का बेसिकली मतलब जो होता है कि जो मेन जो चीज़ें हैं ना, उसके साथ साथ अन्य कौन कौन सी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं या इसके साथ होती हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। तो जो चौथा कंपोनेंट है इसका, वो हो जाएगा कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में बेसिकली क्या आ जाएगा? अभी तक हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया? अभी तक हमने इसमें कवर किया है, आप देखेंगे तो हमने इसमें कवर किया बेसिक स्ट्रक्चर में फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील्स,
और ये एक मूलभूत ढांचा। मूलभूत ढांचे के बाद हमको चाहिए इंजन या पावर प्लांट, जिससे गाड़ी में एनर्जी रहेगी। एनर्जी रहेगी तभी एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। तो उस एनर्जी को ट्रांसमिशन करने के लिए, बैलेंसली गाड़ी चलाने के लिए हमको ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए रहता है, जिसके अंदर क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑक्सिलरीज में वारी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करना है ना, उसके उसकी बैटरी है, जनरेटर है, या किसी भी तरह की ड्राइविंग लाइट्स हैं, जो भी सपोर्टिंग सिस्टम्स होता है वो सारा इसके अंदर आता है। कंट्रोल्स में जो आएगा बेसिकली वो है इसकी स्टीयरिंग, स्टीयरिंग सिस्टम, और इसमें आएगा ब्रेक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा सस्पेंशन, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। सस्पेंशन इज बेसिकली अ मैकेनिकल कंपोनेंट, बट इसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है और इसको भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है हमारे ऑटोमोबाइल के बेसिक कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स के को यूज़ करते हुए गाड़ी तैयार होती है। धन्यवाद।